हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ लीगल दर्पण चैनल। दोस्त, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा आपके व्हीकल या किसी संपत्ति को यदि सीज कर लिया जाता है तो उसको आप वहां से कैसे रिलीज करवाएंगे। तो संपत्ति जो है पुलिस ऑफिसर तीन तरीके से, तीन ही स्थिति होती है जिसमें वो सीज करता है। पहला स्थिति है, मान लीजिए आप वकील के बारे में, मैं प्रॉपर बात करना चाहूंगा, वकील के बारे में बताता हूं कि सबसे पहला स्थिति, आप किसी स्ट्रीट में या पब्लिक प्लेस पे जहां अलाउ नहीं है पार्किंग करना, आपने गाड़ी को पार्क कर रखा है और आप चले जाते हैं घूमने के लिए या फिर शॉपिंग करने के लिए। पुलिस वाले आते हैं, आपको जहां पे पार्किंग किए हैं वहां से गाड़ी को उठा लेता है, थाने में रख लेता है। या फिर आप लोकल एरिया में जा रहे हैं जहां पे हेलमेट या डॉक्यूमेंट ले जाना गाड़ी का कोई जरूरी नहीं है, फिर भी पुलिस वाले आते हैं और आपकी गाड़ी जो है उसको ले लेते हैं और थाने में बंद कर लेते हैं। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, कैसे अपने गाड़ी को रिलीज करवाएंगे। दूसरा स्थिति होती है कि आप हाईवे पे जा रहे हैं, हाईवे पे जाने के बाद आपने हेलमेट या डॉक्यूमेंट कोई भूल गए हैं, जैसे आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन इंश्योरेंस, कोई भी पेपर नहीं है, पुलिस वाले चालान कर देता है, तो उस स्थिति में क्या होगा। तीसरा स्थिति होता है कि कोई व्यक्ति हाईवे पे जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद एफआईआर हो गया मान लीजिए, उस स्थिति में आपके गाड़ी को उसने सीज कर लिया, थाने में बंद कर लिया, तो उस स्थिति में आप कैसे वहां से गाड़ी रिलीज करवाएंगे। या फिर आप कोई व्यक्ति है जो कि स्मोकलिंग का धंधा कर रहा है, उसके गाड़ी पकड़ा जाता है, उसमें गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है, तो उस स्थिति में वो कोर्ट से गाड़ी को कैसे निकालेगा, क्योंकि उस पर तो एफआईआर भी हो गया एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत। तो इन तीनों ही स्थितियों को जानने के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लगभग सबके साथ किसी ना किसी दिन होता ही है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहला स्टेज। सबसे फर्स्ट स्टेज जो है कि मान लीजिए आप अपने गाड़ी को किसी गली में या किसी पब्लिक प्लेस पे जहां पे पार्किंग अलाउ नहीं है आपने पार्क करा है, या कहीं आप लोकल एरिया में जाते हैं जहां पे हेलमेट या गाड़ी का जो भी पेपर है उसको ले जाना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन आपने नहीं ले गए जिसके कारण, और पुलिस वाले आपसे मांग लेते हैं या क्या जहां पार्किंग किए हैं वहां से वो उठा लेते हैं गाड़ी को और थाने में बंद कर लेते हैं, क्योंकि पुलिस वाले को दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 सेक्शन 66 में उसको अनक्लेम प्रॉपर्टी को सीज करने का अधिकार दिया गया है। यहां पे अनक्लेम प्रॉपर्टी से मतलब है कि जिसका कोई क्लेम करने वाला उसके नजर में नहीं है, जैसे कि आपने कहीं पे स्ट्रीट में गाड़ी को पार्किंग कर दिए जहां पार्किंग अलाउ नहीं है, तो वो यही समझेगा कि ये लावारिस वस्तु है या अनक्लेम प्रॉपर्टी है, बाद में आप गए वहां पे उसको क्लेम करने के लिए, तो ये होता है। तो वहां पे गए पुलिस वाले क्या करते हैं कि दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 सेक्शन 66 के अंतर्गत वो उस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और एक सूची बनाकर उसको कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज देता है, और आपके वकील जो है उसको मालघर में वो बंद कर देता है, मालघर में रख लेता है। तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, उस प्रॉपर्टी को रिलीज करवाने के लिए आप सबसे पहले 11 रुपए की स्टाम्प पेपर पे एक एफिडेविट बनाइएगा। स्टाम्प पेपर 11 रुपए का ले लीजिएगा। उसके बाद जो है आप एसीपी के नाम एक एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन लिखने के बाद उसको अटैच करेंगे, उसके साथ जो है गाड़ी का जो आरसी है, आधार कार्ड है अपना, वो लगाएंगे, उसको एसीपी ऑफिस में जाके जमा करेंगे। एसीपी उसको अप्रूव करेगा, यानी साइन और स्टाम्प लगाएगा, फिर उसको लाके आप थाने में दीजिएगा, थाना फिर आपकी गाड़ी को रिलीज करेगा। चूंकि यह अधिकार कमिश्नर ऑफ पुलिस को दिया गया है, लॉ यही कहता है, दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 सेक्शन 66 में 66 में ये लिखा गया है, लेकिन कमिश्नर ऑफ पुलिस जो अपना अधिकार है वो ऑथोरिटी एसीपी को दे देता है, इसलिए एसीपी करते हैं ये चीज। अब यहां पे बात उत्पन्न होती है कि एसीपी को एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, तो मैं इसका लिंक, एप्लीकेशन जो है इसको मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा लिंक, लेकिन आपको मैं एक झलक इसका बता देता हूं। आप लिखिएगा,
टू द एसीपी डॉट डॉट डॉट, यानी थाने का नाम, जो एसीपी ऑफिस का नाम है वो लिख दीजिएगा, दिल्ली जो पिन कोड हो। सब्जेक्ट में लिखिएगा रिलीजिंग ऑफ सीज्ड बैकिल या जो भी प्रॉपर्टी हो, ये नंबर सो एंड सो। फिर सर आई, फिर अपना नाम, सन ऑफ पिताजी का नाम, फिर रेजिडेंस ऑफ जो भी आपका एड्रेस हो वो लिख दीजिएगा, फिर फुल स्टॉप, फिर आई रिक्वेस्ट यू टू रिलीज में बैकिल, फिर आगे में नंबर, बैकिल नंबर जो भी होता है वो, फिर फुल स्टॉप, फिर आई अटैच द डॉक्यूमेंट ऑफ ऑनरशिप एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स, फुल स्टॉप, काइंडली अलाउ दिस एप्लीकेशन एंड रिलीज माई बैकिल टू मी, योर्स फेथफुली, अपना नाम नीचे में, फिर सीज्ड एट पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन आपके बैकिल को सीज किया है उसका नाम लिख दीजिएगा, डेट, मोबाइल नंबर। ये एप्लीकेशन का सिंपल फॉर्मेट होता है, ये लिख लीजिएगा। तो ये तो हुई कि आप कहीं पे गाड़ी लगाए हैं पब्लिक प्लेस पे, वहां से उठा के ले गया, या लोकल एरिया में घूमने गए हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर पकड़ लेता है, फिर वो गाड़ी को थाने में ले लेता है। अब दूसरी स्थिति आती है कि आप जा रहे हैं कहीं, मान लीजिए ऑफिस जा रहे हैं, आपके पास गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं है, या इंश्योरेंस नहीं है, या आरसी नहीं है, या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या हेलमेट आपने नहीं पहना है, तो पुलिस वाले आप पे चालान कर देता है। तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा कि चालान को आजकल ऑफलाइन भी आप जमा कर ले सकते हैं, या ऑनलाइन भी जमा करके उसकी पर्ची जो है वो लेके जिस कंसर्न कोर्ट में बोलेगा उस कंसर्न कोर्ट में आप जाके वहां पे जज साहब के सामने जमा कर दीजिएगा, दिखा दीजिएगा कि मैंने चालान जमा कर दिया है, तो आप रिलीज हो गए, मुक्त हो गए। तीसरा स्थिति होता है कि आप या कोई भी व्यक्ति है जो कि जा रहा है और उसके गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद जिसको एक्सीडेंट होता है वो बहुत जख्मी हो जाता है, उसने एफआईआर करा दिया, तो उस स्थिति में आपकी गाड़ी और आपके डॉक्यूमेंट जो है उसको वो सीज कर लेता है, या फिर कोई व्यक्ति है जो स्मगलिंग का धंधा कर रहा है वो पकड़ा जाता है, पकड़े जाने पर उसके जो भी गाड़ी है और फिर उसका डॉक्यूमेंट है उसको सीज कर लेता है, तो उस स्थिति में कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है, कोर्ट ऑर्डर करता है पुलिस ऑफिसर को, फिर उसके बाद जो है आपको वो संपत्ति जो या फिर जो गाड़ी है उसके डॉक्यूमेंट है वो वहां से रिलीज करेगा। तो कोर्ट में क्या प्रोसीजर है मैं इसके बारे में भी थोड़ा एक झलक दूं। कोर्ट में आप किसी वकील साहब को संपर्क कर सकते हैं, वकील साहब से संपर्क करने के बाद वकील साहब आपके लिए एक सुपरदारी नामा का एप्लीकेशन बनाएंगे। सुपरदारी नामा के एप्लीकेशन में वो जो भी ग्राउंड्स होगा वो ग्राउंड्स बनाएंगे, उस ग्राउंड्स के साथ जो एफआईआर नंबर है, जिस पुलिस स्टेशन में हुआ, जो भी है कारण, सारे सुपरदारी नामा में लिखा जाएगा, उसके साथ आपके एफआईआर कॉपी अटैच किए जाएंगे, फिर उसको फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में। कोर्ट में फाइल करने के बाद जज साहब के सामने आपको अपनी अर्जी डालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सो एंड सो, ये इस कारण से जो है हमने अपने गाड़ी या जो भी पेपर है उनको लेना चाहते हैं, फिर आपका गाड़ी जो है रिलीज कर दिया गया, उसको कोर्ट जो है थाने को ऑर्डर करेगा कि इनके जो भी गाड़ी है उनके डॉक्यूमेंट है वो इनको सौंप दिया जाए, फिर दे देगा। तो ये तीनों स्थितियों पे मैंने बारी बारी से आपको बताया, मुझे आशा है कि आप लोगों को अब सब समझ में आ गया होगा, आप लोग पता चल गया होगा कि इन तीनों ही स्थितियों में कैसे अपनी बैकिल है या मोबाइल है या कोई भी प्रॉपर्टी है उसको कैसे थाने से रिलीज करवाएं।